है कि मुझे हर 2 महीने के बाद एक नया प्रोजेक्ट, मेरा काम चूंकि ऐसा है कि टीवी ड्रामास और फिल्म्स, सो इस वजह से बालों को जो है हर 2 महीने के बाद हर नए प्रोजेक्ट में एक डिफरेंट स्टाइल देना होता है। तो अभी एक रिसेंट मैंने किया है, आपको पता है ए प्लस पे मेरा जीटी रोड प्ले चल रहा था और एक फिल्म भी आने वाली है अक्टूबर में इंशाल्लाह। तो अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स कुछ शुरू हैं, उनका मैं नाम नहीं बता सकता क्योंकि थोड़ा सा आपको पता है कि कंट्रोवर्शियल होता है हमारे चैनल्स का, कि कुछ चीज़ें पहले एक्सपोज नहीं करनी होती। सो मेन पॉइंट पे आऊँगा कि नए प्रोजेक्ट के लिए मुझे अपना हेयर स्टाइल चेंज करवाना था। सो आई एम कमिंग हेयर एट हेयर स्किल्स विद आरिफ। आपके हेयर स्टाइल ये लगाया, ये सेंटर मांग में लगाया बाल, जी ये दिखाएंगे जरा सर को थोड़ा नीचे। माशाल्लाह जी, ये बहुत ज़बरदस्त आपका यूनिट लगा है। थोड़ा सा साइड पर ज़रा घूमेंगे, और थोड़ा सा घूमें जी, ठीक है, और थोड़ा सा सही। नहीं जी, ये यूनिट आपका बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है, ये सेंटर मांग में है, और ये जर्मन ड्यूरा हेयर स्किन का यूनिट है जो कि पाकिस्तानी मेड बना हुआ है, ये नेचुरली सिल्की बालों में बना हुआ है। एक बात मैं करना चाहूँगा, काफ़ी लोग जाते हैं इम्पोर्टेड चीज़ों की तरफ, जैसे कि हमारे हेयर यूनिट्स में इम्पोर्टेड हेयर यूनिट्स आए हुए हैं, तो वो भी मैंने यूज़ किए हैं, लेकिन उसकी और इसकी क्वालिटी में आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 1% भी कोई कमी नहीं है। जो हमारा नेचुरल आरिफ साहब का बना हुआ पाकिस्तानी यूनिट है, वो नेचुरल सॉरी वो इम्पोर्टेड यूनिट को भी काटता है। मैं इसका यूज़र हूँ क्योंकि मैं शोबिज से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं वहाँ पे काम करता हूँ। किसी को भी कोई फील नहीं होता कि यार मेरी हेयर स्टाइलिंग मेरा यूनिट है या क्या है। और सर्जरी जो है मेरा फ्रंट हेयर लाइन सारी हेयर ट्रांसप्लांटेड है, वो भी आरिफ साहब ने की है। और उसके साथ मुझे अपने काम की वजह से थोड़ी सी वॉल्यूम चाहिए था बालों में, तो मैंने हेयर यूनिट का इंतखाब किया, वो भी आरिफ साहब ने किया और उन्होंने ही लगाया। और उन्होंने मज़ीद जितना भी खूबसूरत मुझे बना सकते हैं ये आरव भाई की मेहरबानी है। सो इसलिए मैं हर दफ़ा क्या मेरा इंतखाब ही हेयर स्किल्स है, आरिफ साहब है। माई चॉइस हेयर स्किल, और आपकी डेफिनेटली हेयर स्किल ही होनी चाहिए। एक दफ़ा ज़रूर आएँ, मैं गारंटी देता हूँ आपको, आरिफ साहब गारंटी देते हैं किसी भी चीज़ की, कि आप यहाँ से मायूस होकर नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह वी विल ट्रीट यू लाइक अ फैमिली, नॉट लाइक अ क्लाइंट। थैंक यू वेरी मच।